नमस्कार, मैं अशोक मिश्रा। एक सूचना आपको मुझे देना चाह रहा था कि देश का बहुत ही जाना माना अवार्ड ग्लोबल बुक ऑफ एक्सीलेंस इंग्लैंड, ये लंदन बेस्ड अवार्ड है जो विश्व भर में अवार्ड फंक्शन करता है। हाल ही में मुंबई के मैरियट होटल में बहुत ही शानदार आयोजन किया गया, जहां देश भर के जाने माने लेखक, गायक, अभिनेता, बिजनेसमैन और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने समाज में अच्छे कार्य किए हैं उनको सम्मानित किया ग्लोबल बुक ऑफ एक्सीलेंस ने। उसमें बहुत सारे सितारे जो पहुंच नहीं पाए, उसमें एक नाम है देश के पहले लाफ्टर चैलेंज के विनर सुनील पाल का। जाने माने हास्य कलाकार सुनील पाल, सम्मानित होने के लिए उनको इन्वाइट किया गया था लेकिन वो पहुंच नहीं पाए थे, इसलिए आज ये अवार्ड हैदराबाद से खास मनीष जी आए हैं और सुनील पाल जी को अवार्ड देंगे मुंबई के LC स्टूडियो में। तो मैं चाहूंगा सुनील जी मंच पर आए और मनीष जी से विनती करूंगा कि सुनील जी को ग्लोबल बुक ऑफ एक्सीलेंस इंग्लैंड अवार्ड से सम्मानित करें। ये है मनीष जी फ्रॉम हैदराबाद। ये खूबसूरत सा शॉल जो चलेगा पूरा साल सुनील भाई के अंदाज में, बहुत ही मजबूत है, बहुत भारी है। आप आए, आपके आभारी हैं। मनीष जी अगला क्या है? ये खूबसूरत सा बुके है, कैमरे में कैद हो रहा है, मीडिया के लोग सामने खड़े हैं, अच्छा लग रहा है। और ये बुके देकर सम्मानित किया आपने, शॉल पहना के सम्मानित किया, उससे बड़ी चीज सुनील भाई, ये जो ओलंपिक के मेडल्स होते हैं जो मोदी जी सबको पहनाते हैं इंडिया में आने पे, ये उस तरह का सम्मान है। इससे बढ़ के ये खूबसूरत सा फ्रेम है, इस फ्रेम के बारे में प्रेम से बोलिएगा दो मिनट बाद। इससे भी बड़ा एक अवार्ड है ये खूबसूरत सी ट्रॉफी। तो मैं चाहूंगा मनीष जी, इनकी खासियत ये है कि ये अवार्ड से सम्मानित करते हैं, दो हाथ है और चार अवार्ड देते हैं आप। धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मीडिया पर्सन ने वीडियोस और फोटोज ले लिए हो तो आगे जी ले लीजिए। नहीं नहीं जरूरी है भैया, आप मीडिया वाले सबसे पहले हैं। फोटो तो आड़ा ले लो, आड़ा लीजिए, तिरछा लीजिए। मुंबई शहर के जाने माने सभी मीडिया कर्मी हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद LC स्टूडियो से। सुनील पाल जी, आपको अवार्ड मिला, कैसा लगा? मैं चाहूंगा इसको यहाँ रखते हैं और ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड इंग्लैंड, दो शब्द कहें। मनीष जी आप फ्रेम में रहिए, आपने फ्रेम दिया है तो फ्रेम में रहिए जी। इंग्लैंड से आया मेरा दोस्त, अवार्ड को सलाम करो, दिन में हिंदी बोलो, रात में इंग्लिश पी लो। हालांकि हमारे जोक का लिखा है, लेकिन जोक से पार्ट, अवार्ड कोई भी हो एक सम्मान का प्रतीक होता है और मैं सुनील पाल, मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ यही चीज नहीं थी जो आज आपने मुझे दे दी, सम्मान। मैं समझता हूँ कि आज मैं सम्मान ये भी हो गया। यस यस यस, और सम्मान वही दे सकता है जिसके पास सम्मान होता है। यस yes. आप लोगों को सम्मान दे रहे हैं, परमात्मा आपका सम्मान बढ़ाता रहे और बढ़ाता रहे और बढ़ाता रहे। आज आप मनीष है, कल आप मनीष सिसोदिया बन जाए अपने फील्ड में, परसों अरविंद केजरीवाल बन जाए, नरसों नरेंद्र मोदी बन जाए, है ना? कंगना रनौत की तरह ना करे, कंगना रनौत बीजेपी में है और फिल्म कांग्रेस की कर रही है। एमरजेंसी, मैंने कहा बहन एमरजेंसी फिल्म कर, तुम बीजेपी में हो तो इंदिरा गांधी का रोल कर रही हो, तुम्हें तो नरेंद्र मोदी का रोल करना चाहिए। लेकिन शोध चल रहा है, सही, इतनी इमरजेंसी में मैंने दे दी, क्योंकि इमरजेंसी मेरा संबंध ये है कि मैं भी इमरजेंसी में पैदा हुआ था, नहीं जल्दबाजी में नहीं, हालांकि जल्दबाजी में पैदा हुआ, सेकंड में पैदा हुआ, लोग 9 महीने लेते हैं पैदा होने में, आप सेकंड में, सेकंड में, सेकंड में, इमरजेंसी में पैदा हुआ था, इधर आपातकाल उधर सुनील पाल। 1 मई को मजदूर दिवस होता है, दूसरे दिन ये मजदूर पैदा हो गया था। आज मजदूरी सही, पिताजी ने बचपन में कहा था कि पहले गाने के डांस पर अवार्ड मिला कटोरा, स्टील का कटोरा अवार्ड मिला, बोले बस कटोरा ले और जब घर घर जा, जो मिल सकता है मान मान सम्मान प्यार मोहब्बत जो मिलता है। तो मैं कहता हूँ ये दुनिया जो है, पूरी पूरी दुनिया जो है, जैसे शेक्सपियर ने कहा था कि दुनिया रंग मंच है, मैं कहता हूँ दुनिया जो है वो मेरे लिए गुरु है, मेरे लिए शिक्षा कला का मंदिर है, सबसे मैं सीखता हूँ, हर दुनिया का हर व्यक्ति मेरे लिए गुरु है, शिक्षक है, प्रशिक्षक है, परीक्षक है, निरीक्षक है। इसी वजह से अगर मेरे काम से कोई गलती हो जाए तो समझ जाना गुरु होने के नाते वो दुनिया वालों की वजह से भूल गई मेरी वजह से। तो आई लव यू ऑल एंड इस अवार्ड के लिए मैं और क्या कहूँ, अशोक मिश्रा जी द्वारा ये अवार्ड मुझ तक पहुंचा है। अशोक मिश्रा जी के बारे में मैं कहता हूँ कि हमारे पास चार कलाकार, चार टाइप के कलाकार होते हैं। अशोक जी
आज एलसी में यहाँ पर मौजूद है। क्या इत्तेफाक है एलसी मतलब जितने कलर से वो यहाँ सब देखने मिलते हैं तो लाफ्टर चैलेंज। तो अशोक मिश्रा जी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे चार टाइप के कलाकार होते हैं। एक स्टेज पे हंसाता है, स्टेज के नीचे नहीं हंसा पाता है। दूसरा स्टेज पे नहीं हंसाता है, स्टेज पे नीचे बहुत हंसाता है। तीसरा हमारी तरह होता है स्टेज पे हंसा पाता है, स्टेज के नीचे हंसा पाता है। लेकिन चौथा बंदा होता है अशोक मिश्रा की तरह जो स्टेज पर भी हंसाता है और स्टेज के नीचे भी बहुत हंसाता है। इस मामले में इस बात पर कम से कम यहाँ जितने बैठे हैं इनको तो कोई इनकार नहीं होगा क्योंकि सबने इन्हें स्टेज पर भी भरपूर हंसाते देखा और स्टेज के नीचे तो ये मतलब आपको गिरा गिरा के तो हमारे हैदराबादी भाषा में खुंदल खुंदल मारता है आदमी है नो ए मोड़ी मोड़ी मतलब नरेंद्र मोदी ये कॉमेडी का मोड़ी है। हालांकि एमपी का आदमी है तो मोड़ी नहीं मोड़ा है लेकिन फिर भी इन्होंने हमको अच्छी तरह मोड़ा है। इसी तरह से आप हंसाते रहिए और मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। मनीष भाई आप अवार्ड दे रहे हैं लेकिन कलाकार को साल भर में अगर एक अवार्ड नहीं मिला तो फिर उसको हॉस्पिटल का ए अवार्ड मिलता है। डिप्रेशन में आ जाता है। अवार्ड नहीं तो ये अवार्ड। तो अभी हमारी जो फिल्म आ रही है कॉफी विद अलोन वो एक ऐसी फिल्म है उसको भी मुझे लगता है कि जो लोग देखेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो मुझे लगता है कि वो भी मेरे अवार्ड की तरह होगा। डिप्रेशन की कहानी है, फिल्म का फिल्म में एक ही एक्टर है मैं और बाकी सब कोई नहीं, फिल्म में कोई नहीं है, कैरेक्टर एक ही होता है। तो कॉफी विद अलोन टैगलाइन है, ये फिल्म कैरेक्टर लेस है कोई कैरेक्टर नहीं है। तो हमारा नाम है रतन नोरा, ग्लोबल अवार्ड का वजह से हुआ हूँ पूरा के पूरा। इस अवार्ड के बिना हम हो अधूरा और जो अवार्ड ये मिल जाए जिसको उसका जीवन हो जाए काशी और मथुरा और जिसको अब तक नहीं मिला सारा वह धतूरा। लव यू ऑल जी हजारों साल। यही तरीके से दुआ दे रहा सुनील पाल, दुआओं से होते रहे माला माल। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, दुनिया के हर मुकाम पे अपना घर बसाते रहिए। मालिक करे कि मनीष भाई हर प्रोफेशन में क्लिक करे। वाह, थैंक यू, थैंक यू, बहुत धन्यवाद।